नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर श्रावस्ती से। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा का प्रतिनिधिमंडल ग्राम बनकटा पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में सपा नेता संजीव विद्यार्थी, विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा, पूर्व विधायक असलम रायनी, जिला अध्यक्ष समजीत यादव ग्राम बनकटा में पीड़ित परिवार से मिला। मृतक ब्रजेश विश्वकर्मा के माता पिता और भाई से घटना की संपूर्ण जानकारी ली। 8 अगस्त को पंडित ब्रह्मदत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक अनुपम पाठक ने मात्र 250 रुपये फीस न देने के कारण पिटाई की थी। 19 अगस्त को 13 वर्षीय छात्र ब्रजेश विश्वकर्मा के अस्पताल में मौत हो गई। सपा पार्टी और जनता के दबाव में पुलिस ने आरोपी शिक्षक अनुपम पाठक को जेल भेज दिया। अंतिम संस्कार के पहले जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम भिंगा और मृतक परिवार के बीच समझौता हुआ। समझौता के अनुसार जमीन का पट्टा, आवास और सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन देने के बाद अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया। श्री विश्वकर्मा ने सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया। कहा, सरकार पिछड़ों की विरोधी है और सरकार विश्वकर्मा परिवार की मदद नहीं करना चाहती। पूर्व मंत्री ने कहा कि घटना की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। मदद केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने की, भाजपा कोई नेता इस घटना में नहीं पहुंचा। उन्होंने वादा किया कि इस गरीब परिवार को हम पट्टा देंगे, आवास देंगे, अंत्योदय कार्ड से लेकर तमाम सुविधाएं देंगे और मुख्यमंत्री के विवेकाधीन खोज से 50 लाख रुपया इस परिवार को समर्पित कराएंगे। ये एसडीएम का और परिवार के बीच का एक लिखित एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, आप देख सकते हैं एग्रीमेंट है। लेकिन इतने दिनों के बीच जाने के बाद प्रशासन ने अब तक कोई मदद नहीं की। हमारा स्पष्ट आरोप तो बीजेपी सरकार पर है। अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो अब तक ये हमारे आने के पार्टी के आने के पहले ये सब चीज़ें जो वादा किया गया उसको पूरा कर लेते। ऐसी बात नहीं सरकार को मालूम नहीं है, यहाँ एलआईयू है, इंटेलिजेंस है। सरकार को जिले की एक एक चीज़ की रोज़ रिपोर्ट करती है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार को जानकारी ना हो ऐसी बात तो नहीं है। डीजीपी प्रमुख सचिव को तुरंत फोन जो है सूचना चली जाती है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार विरोधी है और सरकार नहीं चाहती। आज हम लोग आए हैं और स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि प्रशासन ने जो एग्रीमेंट किया है, कागज़ पर जो दस्तखत किया है, जो कहा है अनुदान का, आर्थिक मदद का, परिवार को सुविधा देने का, अब बेटा तो वापस कर नहीं सकते लेकिन सांत्वना के रूप पर अगर ये चीज़ें अगर दे देंगे, अगर परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर देंगे तो निश्चित रूप से परिवार को थोड़ा सा सांत्वना मिल जाएगा। तो मेरी सरकार से भी विनती है और जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वादा करके यहाँ गए हैं परिवार के साथ उसको जो है तत्काल उसको पूरा करने का काम करें ताकि विश्वकर्मा परिवार को न्याय मिले और उनको राहत मिले। प्रशासन के द्वारा जो है लिखित में विधायक जी के पैड से 50 लाख, निश्चित रूप से विधायक जी का पैड जो है आज उन्होंने एग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन विधायक को बताया नहीं। आज विधायक जी को पता लगा है, आज मेरी एसडीएम से अभी फ़ोन से यहीं से बात हुई है। आज शाम को विधायक जी के लेटर पैड पर लिख करके सब चला जाएगा और हमने एसडीएम से भी कहा है कि आप जो है इस लेटर को अपने असर से रिकमेंडेशन करके जिलाधिकारी के यहाँ ले जाइए और जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजिए ताकि इस परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद हो सके। आपकी पार्टी द्वारा भी कुछ आर्थिक मदद की जाएगी? निश्चित रूप से हम पूरी घटना की रिपोर्ट, एक एक पल की रिपोर्ट हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को हम सभी लोग देंगे और उसके बाद रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस परिवार की मदद भी कराने का काम करेंगे। बहरहाल समाज के स्तर से अभी कुछ मदद हमने जो है एक लिफाफे में जो है यहाँ के संगठन के माध्यम से हमने मदद कुछ कर दिया है।